कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राज्य की बोम्मई सरकार चारों तरफ से घिरी हुई दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी सीएम बसवराज बोम्मई को सख्ती से बता चुका है कि विवाद अपनी जगह है, लेकिन काम करके दिखाना होगा। लेकिन कर्नाटक में काम की जगह कमीशन खोरी हो रही है। इस मामले में एक ठेकेदार ने खुद की जान भी ले ली है। आरोपी जो है वो सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है, वो भ्रष्टाचार के मामले में घिर जाती है। 2008 में बीएस येदुरप्पा राज्य के सीएम बने थे, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में घिर गई थी। आरोप सीधे सीधे सीएम येदुरप्पा पर ही थे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में पार्टी छोड़ी और जेल भी जाना पड़ा। इसका नुकसान बीजेपी को हुआ और बीजेपी राज्य में तीसरे नंबर का दल बन गई। अब जोड़ तोड़ कर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई है, लेकिन सरकार चलाते नहीं बन रहा है। पहले येदुरप्पा को सीएम बनाया, फिर उनकी जगह बसवराज को कमान दी गई, लेकिन राज्य में काम की जगह कमीशन का खेल चल रहा है। इस बार आरोपों में घिरे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा पर कमीशन मांगने के आरोप बीजेपी कार्यकर्ता और ठेकेदार संतोष पाटिल ने लगाए हैं। पाटिल ने खुद की जान भी दे दी है, लेकिन जाते जाते वो ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ा गए हैं। संतोष पाटिल का एक वीडियो ईश्वरप्पा की मुश्किल बन गया है, जिसमें पाटिल ने दावा किया कि ईश्वरप्पा और उनके करीबी काम दिलवाते हैं, फिर भुगतान के नाम पर 40% कमीशन मांगते हैं। कमीशन नहीं दो तो परेशान किया जाता है, पेमेंट रोक दी जाती है। पाटिल के आरोपों को शुरुआत में बसवराज बोम्मई ने हल्के में लिया। इसका कारण ईश्वरप्पा की पार्टी में मजबूत पकड़ थी। ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से आते हैं, राज्य में इनकी आबादी 9% बताई जाती है। बीजेपी में ईश्वरप्पा इस समुदाय का चेहरा है। कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ईश्वरप्पा पर एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। ईश्वरप्पा को खुद ही अपने इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा, लेकिन अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। वो ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर भी अड़ गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार में फंसे ईश्वरप्पा का भविष्य भी येदुरप्पा की तरह होगा। DB Live की रिपोर्ट।